हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो मैं रहता हूँ मनाली में ही। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती थी, कमेंट सेक्शन में भी आते रहते हैं। गर्मियों का महीना तो स्टार्ट हो ही गया है मनाली में, अप्रैल के बाद ही स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के कॉमेंट में क्वेरी थी कि शॉर्ट स्टे के लिए और लॉन्ग स्टे के लिए मनाली में रहना चाहते हैं तो उसका क्या हिसाब किताब है। लंबे दिनों के लिए रहेंगे, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, तो उसका क्या रूम का कॉस्ट होगा, क्या एक्सपेंसेस होते हैं मनाली में। और जो शॉर्ट स्टे के लिए रहना चाहते हैं 1 महीने, 2 महीने, उसका क्या एक्सपेंसेस होता है, क्या खर्चा होता है, कैसे ढूंढ सकते हैं इस तरह के प्रॉपर्टीज़, गेस्ट हाउसेस, या किसी घर में आपको ढूँढना हो 1 BHK, 2 BHK, जिस पर्पज़ के लिए हो। तो मैं तो यहाँ पर बहुत कई सालों से हूँ, तो YouTube चैनल के माध्यम से जो मेरे पास जानकारी है आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करूँगा। यदि आप भविष्य में और हाल फिलहाल मनाली आके स्टे करना चाहते हैं, शॉर्ट स्टे के लिए भी 1 से 2 महीना, 3 महीना, या लॉन्ग स्टे के लिए भी सालों साल रहना चाहते हैं, तो कैसे आप सर्च कर सकते हैं, कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो मई का महीना चल रहा है मनाली में, तो क्लाइमेट चेंज के कारण अभी भी बारिश हो रही है, पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। आमतौर पे ऐसा देखा नहीं जाता था। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट स्टे के बारे में, जो 1 से 2 महीना रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो जनरली जो देखने के लिए है मनाली में, साफ साफ बताऊँ मैं, जो साधारण रूम है 1 BHK टाइप बता दूँ, सिंगल रूम, किचन, लैट बाथ, जो एवरेज किराया चलता है लगभग 5,000 के आसपास या 6,000 के आसपास चल रहा है नॉर्मल। लंबा स्टे के लिए लेंगे आप, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर के लिए लेंगे तो आप 2 BHK लेते हैं आप तो करीब 8,000 एवरेज, 8 से 9,000 और पड़ेगा आपको लंबा स्टे के लिए। लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी और लेने के लिए कमरे आपको घर बैठे हुए तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं है। जैसे होटल लेना हो तो उसके तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेक माई ट्रिप और बहुत सारे हैं, जाइए विजिट करिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। कमरे का कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाए हैं साल भर पहले कि हाउ टू रेंट रूम इन मनाली, आप मेरे वीडियो पर विजिट करके ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोकेशन हैं मनाली में रूम ढूंढने के लिए। तो बात करें तो जैसे मनाली मॉल रोड के पीछे आप गुरुद्वारा के पीछे चले जाएंगे, वो वाला एरिया है, बौद्ध मंदिर है उसके स्ट्रेट सीधा चले जाएंगे, वो वाला लोकेशन है न्यू मनाली अलाउ जिसे बोलते हैं, जहाँ पर हूँ मैं, ये लोकेशन है। फिरनी चले जाएंगे इसके आगे, वहाँ मिलेगा। जगत सुख चले जाएंगे 6-7 किलोमीटर की दूरी, वहाँ मिलेगा। भांग चले जाएंगे सोलंग वैली की तरफ, उधर मिलेगा, वशिष्ठ में मिलेगा, ओल्ड मनाली में मिलेगा। सिमसा विलेज है उस तरफ वाले लोकेशन में चले जाएंगे। बहुत सारे लोकेशन हैं मनाली मॉल रोड से लगभग सब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन इस तरह के रूम ढूंढने के लिए आपको यदि शॉर्ट स्टे में भी लेना चाहते हैं 2 से 3 महीने के लिए, तो 5,000 के रेट में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो तो आप भूल जाओ। मान लो मकान मालिक ने 5,000 के रेट में आपको रूम दे दिया, तो बाकी वो 10 महीने क्या करेंगे, क्योंकि पीक सीजन नहीं होता, अप्रैल मई जून जुलाई पीक सीजन है, सारे टूरिस्ट आते हैं, लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे ठहरने के लिए, होटल में वेटर ज़्यादा चाहिए, कुक ज़्यादा चाहिए, वर्क स्टाफ ज़्यादा चाहिए, हर कोई विजिट करता है काम के लिए, रहेगा कहाँ, कमरे चाहिए उन्हें, तो वो रहते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए मकान मालिक भी रूम का किराया बढ़ा देते हैं और लगभग भर जाता है, मिलता नहीं है जल्दी रूम ढूंढने पर भी। तो आप सबसे पहली बात तो अनजान हो, आपको आइडिया नहीं है रूम कैसे ढूंढने, पहाड़ी एरिया है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी चलेंगे आप रूम ढूंढने के लिए, जो लोकेशन मैंने बताए हैं, आप थक जाएंगे तो कोई और रूम मिलने की संभावना कम बनी हुई रहती है। मिलेंगे ऐसा नहीं है मिलेंगे, लेकिन आपको ढूंढते रहना पड़ेगा 3 दिन 4 दिन, हो सकता है 1 वीक भी आपको लग जाए। दूसरा, आपने पहली बार विजिट कर रहे हैं, जाएँ तो कैसे जाएँ, तो सब जगह पैदल चल के तो जा नहीं सकते हैं, तो कर सकते हैं स्कूटी किराए पर ले सकते हैं, मिल जाता है 700-800 में, डिफरेंट प्लेसेस जा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यदि खुद आपको रूम सर्च करना हो, 5,000 में नहीं मिलेगा 1 BHK, 1 से 2 महीना के लिए रहना चाहते हैं तो उन्हें फुल फर्निश्ड रूम चाहिए,
उन्हें गद्दे भी चाहिए, किचन में कुकिंग के लिए भी सामान चाहिए, जो भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए, यदि वर्क फ्रॉम माउंटेन टाइप का करना चाहते हैं तो उसी पर्पज़ के लिए आते हैं 1 से 2 महीना रहने के लिए। ज़्यादातर मैक्सिमम 80-90% लोगों का यही उद्देश्य रहता है। तो फुल फर्निश्ड रूम लेंगे तो आपको 15,000 से 20,000 के रेट में, पीक सीजन में इससे कम में तो आपको कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है, लोग घर बैठे ही बैठे बिठाए फ़ोन से ही चाहते हैं कि हमें फ़ोन करें और रूम मिल जाए। खुद ढूंढेंगे तो शायद सस्ता पड़े आपको, 10,000 से 12,000 में भी मिल जाए, या खुद विजिट करके सर्च करेंगे तो। अब बैठे बिठाए किसी को कॉल करेंगे या सोचेंगे हमें सस्ते में मिल जाए तो सस्ते में क्यों मिलेगा। होटल में जाएंगे, पका पकाया खाना खाएंगे तो महंगा ही मिलेगा, अपने हाथ से बनाएंगे तो वो फिर कम खर्च में आप अच्छा खाना बना सकते हैं। तो वही बात है, किसी को फ़ोन करेंगे कहेंगे मुझे रूम की रिक्वायरमेंट है चाहिए, वो तो डेफिनेटली बीच में अपना कमीशन ऐड करेंगे ही, वो चीज़ बिल्कुल महंगी होगी। लेकिन आपको घर बैठे बिठाए वो चीज़ मिल जाएगी, एक फ़ोन करने से ही आप इस तरह से रूम ढूंढ सकते हैं शॉर्ट स्टे के लिए। ऑफ सीजन में जो वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हैं उनको मान के चलिए 10,000 में फुल फर्निश रूम मिल जाएगा। और जो साधारण कमरे की बात कर रहा हूँ 5,000 की, सिर्फ कमरे कमरे होते हैं, कमरे में कुछ नहीं मिलेगा, रूम खाली कमरा, कहीं बेड मिलता है कहीं नहीं मिलता है, खाली पलंग और लाइट बाथ और किचन होगा। तो ये 5,000 का एवरेज रेट बताया, कहीं 4,500 भी है, कहीं 6,000 भी लेते हैं, डिपेंड करता है रूम कैसा है, फैसिलिटी कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा मैं बता दूँ 2 BHK रूम, जो मैंने बताया था खुद ढूंढेंगे, खाली कमरा कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, लाइट बाथ किचन 8,000 एवरेज प्राइस है, कहीं 9,000 भी है, कहीं 7,000 भी मिल जाए, आप खुद ढूंढेंगे तो मिलेगा, किसी के थ्रू आएंगे आप लेने के लिए तो वो फिर आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि वो बीच में अपना कमीशन ऐड करेगा। तो 15,000-14,000 इस तरह के रेंज में मिलेगा। और वर्क फ्रॉम माउंटेन 2 BHK रूम आपको चाहिए वो तो फिर 20,000 के ऊपर के रेट में मिलेगा, उसके नीचे तो रेट में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, 25,000 तक भी जा सकता है पीक सीजन में। ऑफ सीजन में शायद सस्ता मिल जाए 13,000-14,000 के रेंज में, लेकिन पीक सीजन में तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या आती है ढूंढने की, कि रूम आप ढूंढेंगे कैसे। तो हर कोई नहीं चाहता, बहुत लोग विजिट करते हैं, मेरा बहुत सारा वीडियो देखा है, विजिट किया है, रूम ढूंढा है, उन्हें मिल भी गया है, कुछ ही लोग विजिट करते हैं, गट्स होता है विजिट करें, स्टे करें, ढूंढें, ज़्यादातर लोग चाहते हैं फ़ोन से ही कॉन्टैक्ट करें। और हमें बस 4-5 हज़ार का कमरा मिल जाए, बस उन्हें रहना है, घूम कर वापस चले जाना है, बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसे लोग नहीं देते हैं। हाँ ज़्यादा किराया टाइप का 1 महीने का 15,000 किराया देंगे, 2 महीने का 30,000, तो शायद 2 महीने के लिए वो आपको कमरा दे दे स्टे करने के लिए, जिसमें बेड भी होगा सोने के लिए, किचन का आइटम भी होगा खाना बनाने के लिए, और जिससे आप बात करेंगे उसका कमीशन तो थोड़ा बहुत वो ऐड होगा ही, लेकिन आपको पका पकाया मतलब तुरंत मिल जाएगा कमरा इस तरह से। तो अभी मैं जिधर चल रहा हूँ तो इस तरह का कुछ कुछ पहाड़ों में आपको लोकेशन मिलेगा। आमतौर पर सामने वाला मकान दिख रहा है झंडे वाला ऊपर, तो ये कमरा है रेंट के लिए, जो रेगुलर रहना चाहते हैं 6 महीना 8 महीना 10 महीना, इस तरह के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये सेब का पेड़ है जो दिखा रहा हूँ इस तरफ, सामने उस तरफ है सिमसा गांव, तो कुछ कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा यहाँ से। इधर भी इधर मकान दिख रहे हैं, वो भी रेंट पर्पस के लिए है, तो जो रेंट पर्पस के लिए है देते हैं घर, मतलब आमतौर पर घर किराए पर। इधर भी ये जो बिल्डिंगें दिख रही है ना, ये सब रेंट पर्पस के लिए है, ये वाला भी रेंट पर्पस के लिए। सामने उस तरफ है मनाली का माल रोड उस तरफ, और यहाँ से व्यू देखिए बिल्कुल खुला खुला है, उधर भी चोटियाँ हैं और सामने का तरफ भी अच्छा व्यू है बिल्कुल। अब बात करूँ, आपको रूम चाहिए वर्क में माउंटेन करना चाहते हैं, रहना और खाना, तो ये एवरेज प्राइस मैं बता दूँ, खाना बहुत महंगा है तो लगभग खर्च पड़ जाएंगे आपको 30,000 के आसपास, क्योंकि पर डे यदि 300 रुपया भी लेता है, 350 रुपया खाने का सिर्फ, और बाकी रूम का तो वो लेगा ही, 15,000 से 20,000 एवरेज प्राइस मैंने बता दिया। तो 25,000 से 30,000 के आसपास आपको लगभग खर्च पड़ेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए रहना चाहते हैं, 1 महीने के लिए या फिर आप 2 महीने के लिए। और वैसे लोग जो लंबा स्टे करना चाहते हैं, 1 BHK में रहना चाहते हैं, 2 BHK में,
तो मंथली एक्सपेंसेस कितने आएंगे, राशन पानी गैस उस बिजली ये सारा खर्चा कितना आएगा। तो ये एवरेज मान के चलिए लगभग फूड आइटम में आपको 10,000 के आसपास खर्चे आ जाएंगे। रूम आप खुद सर्च करके रहते हो, जैसे मैंने बताया 5,000-6,000 में आपको कमरे मिल जाएंगे, तो मतलब आपका 16,000-17,000 में काम चल जाएगा आराम से। मतलब रूम का प्लस 10,000 जो भी एक्सपेंसेस है, खाने के, बिजली पानी दूध दही मक्खन जो भी खाएंगे आप, फ़ोन रिचार्ज कराएंगे, ये टोटल कॉस्ट मैंने बोला, तो वही 15,000-17,000 में एक महीना आप आसानी से रह सकते हैं मनाली में, सालों भर मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे हुए रूम चाहिए आपको 1 BHK लंबे स्टे के लिए या शॉर्ट स्टे के लिए चाहते हैं, फ़ोन कॉल से ही आपको ऐसा मिल जाए, मेरा काम तो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो उसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकता हूँ। मैं किसी दूसरे बंदे का नंबर दूंगा जो इसमें आपकी मदद करेंगे, लेकिन जैसा ने बताया आपके हेल्प करेंगे, फ्री में तो करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो चार्ज करेंगे ही, क्योंकि घर बैठे आपको फ़ोन से डिटेल मिल जाएंगे, रूम का फ़ोटो मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, किराया क्या वो मिल जाएगा, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हेल्प करेंगे। तो उनका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, कॉन्टैक्ट करिए, आपको अच्छा लगता है तो उनसे रूम बुक करिए, नहीं तो मेरे बहुत सारे पुराने वीडियो हैं चाहिए देखिए, 3-4 वीडियो मैंने डाल रखा अलग अलग, वीडियो देखिए समझिए जानिए और फिर आप रूम बुक करिए। तो दोनों तरीके हैं, खुद विजिट करके भी बुक करिए, सस्ता पड़ेगा आपको और मैंने बता रखा है, और किसी के थ्रू बुक करेंगे तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। यदि मनाली में स्टे करने का प्लान है आपका शॉर्ट स्टे के लिए, थोड़े दिनों के लिए, या फिर लंबे समय के लिए 1 साल के लिए, तो इसी तरह के जानकारी मैं शेयर करते रहूँगा, जिससे आप अपना प्लान करना चाहते हैं मनाली में स्टे करने का तो अच्छी तरह प्लान कर सकें।